नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भाजपा रैली प्रकोष्ठ संयोजक मिथिलेश रोसिया ने अपनी टीम के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया, साथ ही क्षेत्र के लोगों में झंडारोहण किया। साथ ही उन्होंने अपने संगठन के साथ देश के प्रति समर्पित लोगों और बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान शहर के बवाली मोड़ चौराहे पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। वहीं मिथिलेश रोसिया की टीम के द्वारा आने जाने वालों को 500 झंडा वितरण किया गया। वहीं देश के शहीदों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए संदेश भी दिया गया। क्या नाम है? मिथिलेश रोसिया, जिला संयोजक भाजपा रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ आजमगढ़। अच्छा, आज आप लोग के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया गया? आज 75वां गणतंत्र दिवस है, आज़ादी का पर्व है। आज हम लोगों ने शहर के बवाली मोड़ पर 500 झंडा वितरण कर जो भी लोग आ रहे थे उन्हें झंडा दे करके वहां पर हम लोगों ने आज़ादी पर्व मनाया। उसके उपरांत हम लोग महिला चिकित्सालय में गए हैं, 100 शैया बेड, वहां की CMS मैडम के साथ हम लोगों ने सारे मरीजों को फल वितरण और झंडा वितरण कर राष्ट्रध्वज उन लोगों के बीच में हम लोगों ने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया। तमाम लोग कार्यक्रम में चल रहे हैं, उसमें महिला सेवा संस्थान भी है। जी, हमारे ये एक संस्था चलती है, शक्ति सेवा संस्थान। आज हम लोगों ने सुबह वहाँ पर ध्वजारोहण किया और आज हमारी संस्था का एक वर्ष पूरा भी हुआ, जिसके उपरांत हम लोगों ने केक काट करके एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी। इसी क्रम में आज सारे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं हमारा, और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सारे लोग इसको देखें और सभी लोग देश के प्रति एकजुट होकर के देश की एकता के प्रति सारे लोग जहां भी रहें अपने राष्ट्र के हित का कार्य करें, यही हमारी सोच है और यही हमारी इच्छा है कि सारे लोग यही चीज़ करें। आचार्य जगदीश सिंह, JSET मॉन्टेसरी हाई स्कूल। आज जो स्कूल खोला गया है, क्या आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में विद्यालय का प्रारंभ आज के दिन से शुरू हुआ है और ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है। बच्चों ने राष्ट्रगान गाया है। आज के बाद से हमारा विद्यालय कल से प्रारंभ हो जाएगा, कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं प्रारंभ होगी। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, बच्चों को दूर दूर बैठने की व्यवस्था की गई है, कक्षाएँ जो है सैनिटाइजर से सही किया गया है, साफ किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे आएंगे, कोरोना काल का पालन करेंगे, COVID-19 का पालन करते हुए पठन पाठन का कार्य शुरू होगा। कक्षा 10 का जो इस सब हमारा रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। सारे बच्चे 80-85% से लेकर के 92% तक अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं अध्यापकों का, प्रबंधक का, विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से बच्चों को हम संदेश देना चाहेंगे कि विद्यालय वेश में और क्रम से मुंह पे जो है मास्क लगाएंगे, दूरी का पालन कराने का प्रयास करेंगे, कक्षाओं में पठन